मैं हूं कुमार सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हर कोई बोलता है बड़ा करो, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमें बड़ा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें छोटा सोचना है, छोटे छोटे काम करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे काम से ही बड़े काम संभव होते हैं। और एक और बात, अगर आप कोई बड़ा काम सोच के बैठे हैं और अगर उसे करने सीधे निकल जाते हैं और अगर उसमें असफलता हाथ लगती है तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी ही खत्म हो गई। इसलिए हम ऐसा काम क्यों करें कि हमें निराशा हाथ लगे। आप छोटे काम से स्टार्ट करिए, अगर छोटा काम फेल भी होता है तो आपको उतनी निराशा नहीं होगी, आप फिर उठ खड़े होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत बड़ा काम ले लिया और उसको करने बैठ गए और अगर नहीं हुआ तो फिर आप सोचिए, कई लोग उससे उबर नहीं पाते और यही वो गलती अपनी लाइफ में करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर ये गलती करें अपने साथ। आप छोटी छोटी चीजें करें। अगर आप एक बहुत बड़ा वट वृक्ष उगाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पेड़ उगाना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर गाड़ना होगा। पेड़ के बराबर बीज जमीन में नहीं गाड़ना होगा कि आप सोचें तब इतना बड़ा पेड़ उगेगा। हमेशा छोटे से बीज से ही बहुत बड़े पेड़ का निर्माण होता है। लेकिन हर चीज में समय लगता है। हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो गई है दोस्तों। हर कोई जिसे देखो इंस्टेंट रिजल्ट की मांग कर रहा है और ऐसा प्रकृति में भी संभव नहीं है। आप एक बीज डालते हैं, उसमें खाद, पानी, सनलाइट जब आती है तब और ऋतु के अनुकूल, जब पूरा मौसम उसके अनुकूल हो तब बीज में से पेड़ निकलता है। पहले वो पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी सिंचाई होती है, उसकी केयर होती है, फिर वो वृक्ष बनता है, तब उसमें फल लगते हैं, तब आप उस फल का मजा लेते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है और वही प्रोसेस आपकी हमारी सफलता के लिए भी है। हमें छोटे से काम से स्टार्ट करना है। हमारा विजन बहुत बड़ा होना चाहिए कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, हम एक बहुत बड़ा पेड़ उगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बीज से ही शुरुआत करनी होगी। और वो बीज आपको पता होना चाहिए कि क्या है। बड़ी चीजें, बड़ी बातें, बड़े टारगेट, बड़े गोल्स की बातें ना करें दोस्तों। आप परेशान हो जाएंगे, आपके हाथ निराशा ही लगेगी। इसलिए मैं जो मूल मंत्र आपको देना चाहता हूं वो है कि छोटे काम से स्टार्ट करें, छोटी छोटी चीजें करना शुरू करें। जैसे अगर आप सुबह नहीं उठते हैं जल्दी तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। अपनी हेल्थ पर आप ध्यान नहीं देते तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करें। आधा घंटा आप मेडिटेशन करें, आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें। आप अगर जंक फूड, उल्टा सीधा फूड खाते हैं तो उसे अवॉइड करना शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो बरकरार रहे। अक्सर लोग काम करते ही एक आध घंटे काम करते हैं और थक जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी गड़बड़ हो गई है दोस्तों। वो प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं। प्रकृति के साथ अगर आपकी ट्यूनिंग नहीं है तो फिर बीमारियां आपको लगेंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, फूड हैबिट्स हो गई आपकी, ये सब बेसिक चीजें हैं दोस्तों। हमें कोई बड़े गोल डिसाइड नहीं करने कि मैं 10 दिन का फास्ट रख लूंगा, 20 दिन का फास्ट कर लूंगा, मैं 15 किलो एक हफ्ते में रिड्यूस कर लूंगा। नहीं, ये सब बातें हमें नहीं करनी है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए। आप अगर अपने आप को, डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप 4 रोटी खाते थे तो आप 3 कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना हो। फिर 3 से धीरे धीरे 2 पर आ जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो रहा है। आपकी बॉडी आप जैसा चाहेंगे वैसी बन जाती है। आप अगर चाहेंगे 8 घंटे सोना तो वो 8 घंटे नींद डिमांड करेगी। आप चाहें तो 3 घंटे में अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन भर सोएं तब भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आप अपनी बॉडी को जैसा ढालना चाहें वैसा ढाल सकते हैं। योर माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी। आप मन से जितने स्ट्रांग होंगे आपकी बॉडी भी उतनी स्ट्रांग होगी। इसलिए छोटी चीजों से शुरुआत करें, ज्यादा बड़े बड़े चीजों के पीछे मत पड़ें। हताशा, निराशा, असफलता हमारे हाथ लग रही है, इसलिए अगर छोटी चीज में हम असफल भी होंगे तो कोई चिंता नहीं, हम दोबारा खड़े होंगे और फिर अपनी गलतियों में सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी टिप आपके काम आएगी। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। सुख, समृद्धि, सफलता हमारा चरमसिद्ध अधिकार है। मेरा चैनल कुमार सिंह सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर टाइम।